एंड आप किसी पार्क में पहुंच चुके हैं, तो शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, 3-4-5 बजे का टाइम है। तो आपने गाइस ऊपर से कैमरा ऑन कर दिया, यहाँ पर ऑफ था, इसको ऐसे क्लिक करके ऑन कर दिया। एंड ऑन करने के बाद जो ऊपर से हमारे पास डायलर है, तो डायलर को हम घुमा कर देंगे एम पर, एम का मतलब मैनुअल मोड। तो इसके बाद ऑन करते ही आपके स्क्रीन में ये तीन गोले बटन ये गोल गोल से शो हो रहे होंगे। आप बस ये सोचिए, कैमरा नाम का एक बंदा है, आप ऐसे मान लीजिए कि कैमरा नाम का एक बंदा है, और उस कैमरा नाम के बंदे के आगे तीन बच्चे हैं, कैमरे के आगे तीन बच्चे हैं, SAI, ये बच्चों के नाम है। तो ऐसे ये तीन बच्चे हैं SAI, और अगर ये तीनों बच्चों को हम सही खुराक देंगे, सही खाना देंगे, तो ये सही से काम करेंगे, सही चीज सही आउटपुट हमें देंगे। यानी कि ये कैमरे के जो तीन बच्चे हैं, इनको सही सेटिंग हम देंगे तो ये सही फोटो हमें खींच के देंगे। तो सबसे पहले एस, जो एस बच्चा है सबसे पहले कैमरे का, एस का मतलब होता है शटर स्पीड। तो शटर स्पीड से होता क्या है, पहले तो ये पता हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना शटर स्पीड। तो स्पीड आप याद रखें कि शटर स्पीड, एस, एस मतलब शटर स्पीड। तो शटर स्पीड के आपने ये याद रखना है कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे 500, 1000, 2000, वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आपकी फोटो बहुत ही क्लियर आएगी। जैसे जो भागने वाली फोटो है, जैसे हम भाग रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं क्रिकेट में, जैसे बंदे की मूवमेंट है वो बहुत तेज है, उस टाइम पे स्पीड हमने ये ज्यादा कर देनी है, मतलब 500-1000 कर दो और फिर फोटो खींचो तो ब्लर नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी टाइम पे हमारी शटर स्पीड कम होगी और बंदा मूव कर रहा है, उसका हाथ मूव कर रहा है, कुछ भी मूव कर रहा है, तो फोटो ब्लर आएगी। तो आपको ये शटर स्पीड हमेशा 60 से ऊपर ही रखनी है। अब शटर स्पीड आपको पता लगा 60 से ऊपर रखनी है, लेकिन कैमरा में इसको हम चेंज कैसे करें, आपको बटन ही नहीं पता अगर, तो बहुत ही आसान है। ये ऊपर राइट साइड पे, ऊपर देखिए ये गरारी सी बनी हुई है, जिसको गोल गोल हम घुमाते रहते हैं, डायलर कह सकते हैं, गरारी कह सकते हैं, कुछ भी। तो बस इसको घुमाना है, डायलर को राइट साइड की तरफ घुमाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, लेफ्ट साइड की तरफ घुमाएंगे तो कम होगी। बहुत ही सिंपल, 60 से ऊपर रखनी वैल्यू बस आपने। तो ये एस को हमने सही सेटिंग दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ए, तो ए का मतलब होता है अपर्चर। तो ये जो दूसरा बच्चा है ये क्या करता है, अपर्चर ये क्या करता है, ये काम आता है बैकग्राउंड को ब्लर करने में, कि आपको कितनी बैकग्राउंड ब्लर करनी है। तो अगर आपका लेंस है 50mm, आपके पास लेंस है, तो आप 1.8 तक इसको लेके जा सकते हैं वैल्यू को। तो ये जो किट लेंस इसमें लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1.8 तक नहीं जाएगी, तो हम जितनी कम हो सकती है हम उतनी कर देंगे, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए हमें बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। तो ये ए की वैल्यू को कैसे चेंज करें निकॉन के कैमरे में, ये भी बहुत ही आसान है। आपने ऊपर देखना है ये बटन लगा हुआ है, एक प्लस माइनस सा बना हुआ है, इसको प्रेस करते करते, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, दबा के रखो इसको। उसके बाद जो पहले शटर स्पीड वाली गरारी थी ना, ये वाली डायलर, इसको दबाते हुए ऊपर वाले बटन को ये गरारी को चेंज करना है। तो राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो अपर्चर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यानी उससे बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगी। अगर इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया ब्लर आएगी। तो इसको जितना कम हो सके उतना कम कर दीजिए। तो दो बच्चों को सही सेटिंग मिल गई। अब रह गया हमारा तीसरा बच्चा, ओ कैमरे का बच्चा। तो अब रह गया कैमरे का तीसरा बच्चा, जिसका नाम है आई। तो आई का मतलब होता है ISO। तो ये ओवरऑल लाइट के लिए काम करते हैं, जैसे आपके फ्रेम में अगर लाइट थोड़ी सी कम आ रही है, जैसे रात का टाइम है लाइट कम है, तो ISO कम बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू को आप ज़्यादा रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा रख देंगे, तो आपकी फ्रेम में दाने दाने ग्रेन आनी शुरू हो जाएगी, जो बहुत ही गंदी लगती है। तो अगर दिन का टाइम है, आप इसको 100 या 200 ही रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 400 दिन के टाइम में, 400 से ज़्यादा इसको लेकर ही ना जाएं दिन के टाइम में। आप शटर स्पीड को कम कर सकते हैं, अगर लाइट कम आ रही है तो शटर को थोड़ा सा कम कर दीजिए जो पहले वाला था, लेकिन ISO को 400 से ज़्यादा तो बिल्कुल ही ना लेकर जाएं दिन में। तो इसकी वैल्यू को कैसे चेंज करना, अगर कैमरा के आप सामने में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये बटन है FN लिखा हुआ है, FN। तो FN को प्रेस करते हुए, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखो, उसके बाद वो शुरू वाली जो गरारी थी हमारी डायलर, उसको घुमाओ। तो उसको भी हम लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे कम करने के लिए, राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे ज़्यादा करने के लिए। तो इसकी वैल्यू को भी हम सेट कर देंगे। तो हमने अब तीन बच्चों को सही से सेटिंग दे दी, बहुत ही बढ़िया। तो आप पूछेंगे कि जो कैनन का कैमरा था, उसमें तो यहाँ पर व्यू में हमें हमारा सारा व्यू नजर आता था कि क्या क्या हो रहा है सीन में। तो गाइस निकॉन का जो कैमरा होता है, उसके अंदर जो व्यू हमने देखना होता है, तो वो ऊपर आप देखिए, साथ में एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, LV लिखा हुआ है उसके ऊपर, LV। तो LV को आपने नीचे की तरफ एक बारी क्लिक करने से, तो आप देखिए डिस्प्ले में, यहाँ पर हमारा जो सीन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जो निकॉन के कैमरास होते हैं, ऐसे उसमें जो भी हम सेटिंग्स करते हैं वो लाइव यहाँ पर नहीं दिखाएगा, आपको फोटो क्लिक करने के बाद पता लगेगा कि आपने क्या सेटिंग की है। आपको ये यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पर तो आपको नॉर्मल व्यू दिखेगा। जो आपने सेटिंग की है अभी SAI की वैल्यू की, वो आपको फोटो खींचने के बाद पता लगेगा कि क्या रिजल्ट है। ये यहाँ पर जो दिखा रहा है ये वो वाली सेटिंग का नहीं है, ये वैसे नॉर्मल रिजल्ट दिखा रहा है।
तो हमारा प्रीव्यू आ गया, हमने सारी सेटिंग कर दी। इसके बाद आता है फोकस कैसे करें। तो फोकस करने के दो ऑप्शन होते हैं, आगे से आप मैन्युअली कर सकते हैं या आप ऑटो फोकस में रखकर इसे ऑटो फोकस कर देते हैं। तो हम ऑटो फोकस पे कर देते हैं।